वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, ये शुरू करते हैं आज का हम लोग सेकंड चैप्टर अपना एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। तो पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो आपको दिखते हैं कि एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं या नाउन हैं, इसको हम कैसे पहचाने या कैसे समझें कि हमारा ये वर्ड एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या फिर हमारा एडवर्ब है। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी, मतलब 99% वर्ड्स तो आपको पहचानवा देगा कि ये आपका नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। पहले हम लोग आज इसमें बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर एडजेक्टिव चल रहा है तो हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे। दो चार हम वर्ड आपको नाउन का भी बता देंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी नाउन वाले चैप्टर में आपको और डिटेल में ये चीज़ बताई जाएंगी, तो आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये जो आपका एडजेक्टिव होगा ये तीन पार्ट में होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम तीन पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए। और जितने भी रूल हैं, जितने इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो आपको पूरा एक 1-to-1 अच्छे से बताया जाएगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये पहले समझते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे, कोई वर्ड एडजेक्टिव है कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, TIVE CIVE OUS ABLE ICALENT ST ED ING FUL, अगर इतने वर्ड हमको दिए हुए हैं, ठीक है, तो समझ लो हमारा एडजेक्टिव। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कम्पिटेटिव, ठीक है, क्या हो गया कम्पिटेटिव, तो हमारा क्या है TIVE हमारा लास्ट में आया। ठीक है, क्या हुआ TIVE हमारा लास्ट, हमारा क्या है एडजेक्टिव है, बिना आपको कुछ सोचे समझे आपको बता देना एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्लोरियस, हमारा क्या आ रहा है OUS, ठीक है, OUS हमारा लास्ट में आ रहा है। ठीक है, हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हम बात करते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, हमारा FUL लास्ट में आ रहा था, हमारा क्या है एक एडजेक्टिव है। आप जितने वर्ड हमने आपको बताया है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग सर्च करिएगा, खुद ही देखिएगा कि आपका बनता है कि नहीं बनता। मैं दावा करता हूँ 99.9% आपके हो ही जाएंगे इससे। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो कि नहीं सेट हो पाते हैं तो नहीं हो पाते, वो आपको रटना ही पड़ता है। ठीक है, या देखना ही पड़ता, समझना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम नाउन की थोड़ा सा बात कर लेते, दो चार वर्ड की बात करेंगे क्योंकि ये नाउन का चैप्टर है नहीं, तो इसमें ज़्यादा नाउन की चर्चा करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो TIONSION MENT CE PHY, ये सब्जेक्ट, मतलब ये वर्ड जिन भी वर्ड के लास्ट में आते हैं, यानी जिन सब्जेक्ट के वर्ड में ये अल्फ़ाबेट आते हैं, वो हमारा नाउन होता है। जैसे वी कम्पिटेटिव की बात की तो कम्पटिशन, तो कंपटीशन में हमारा क्या था TION, ठीक है, तो हमारा जो कि क्या है कंपटीशन एक नाउन है। ठीक है, तो हमारा आइए आगे, अब जो भी किसके इंपॉर्टेंट रूल है उस पर चर्चा करते हैं। तो आगे जैसे मान लीजिए हम कुछ और वर्ड्स को लेते हैं, ठीक है, कुछ और वर्ड को लेते हैं, उन पर हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है पनिशमेंट, ठीक है, हम एक नया वर्ड लेते हैं पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, तो हमारा क्या आ रहा लास्ट में ENT आ रहा है। ठीक है, हमारा क्या है एक नाउन है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब नेक्स्ट हम कुछ रूल को देखते हैं, कुछ और रूल के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे हमको देखो कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जो इस एग्जेक्टिव के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमको दिया हुआ गुड, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, तो गुड हमारा क्या है पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, बेटर हमारा क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हम इस तरह, क्योंकि इसमें इसका यूज है, इसलिए हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की वजह से ना पढ़ करके इसको हम डिग्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा बेल दिया हुआ है बेटर बेस्ट, तो ठीक है, देखिए हमारा जो बेस्ट, इसमें भी बेस्ट, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री में, बेटर इसमें भी, बेटर इसमें भी, लेकिन यहाँ पे गुड है, यहाँ पे बेल है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये चेंजेस क्यों आएगा, इसका हम कैसे समझेंगे, किसके लिए क्या यूज किया गया। अब कुछ नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, अगर गुड का यूज किया गया होगा किसी सेंटेंस में, अगर ओनली गुड का यूज किया गया होगा, ठीक है, यानी गुड का केवल यूज, ठीक है, यानी गुड का यूज केवल जो है नाउन की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है, यानी नाउन की विशेषता के बताने के लिए ओनली हमारा गुड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किस लिए किया जाता है, नाउन की विशेषता को बताने के लिए खाली हमारा गुड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेल का। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताएगा और एडवर्ब की तरह व्यवहार करे, जो हमारा बेल होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है और हमारा एडवर्ब की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जो हमारा बेल होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की तरह व्यवहार करता है बेल हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेल के यूज, मतलब बेल का जो यूज होता है वो हेल्थ के सेंस में किया जाता है, यानी बेल वर्ड का जो यूज है वो हेल्थ के सेंस में किया जाता है। आइए कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो हमारे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसके सेकेंड और बात करें और थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उन चार पाँच वर्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता। तो पहले हम लोग बात करते हैं बैड। ठीक है, हमारे तीन वर्ड हैं बैड, इल और इवेल।
इवेल, ठीक है, हमारे तीन वर्ड हैं। तो पहले हम लोग बैड की बात करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे बैड की। देखो इसमें हमको दिया हुआ है बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। फिर हमारा दिया हुआ है इल वर्स वर्स्ट, ठीक है, इल वर्स वर्स्ट। और लास्ट हम देखते हैं इवेल वर्स वर्स्ट। तो देखो तीनों वर्ड्स जो है अलग है, यानी इन तीनों की पॉजिटिव डिग्री अलग है। बाकी कंपेरेटिव डिग्री की बात करें या फिर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, यानी कंपेरेटिव डिग्री वर्स की बात करें या सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट की बात करें, तो तीनों के सेम है, सॉरी तीनों के सेम है, ठीक है, तीनों के क्या है, सेम है हमारे। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, इनका यूज किस किस के सेंस में अलग होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखो नेक्स्ट एक और वर्ड हमको आता है फोर, ठीक है, फोर फार्मर और फर्स्ट, फॉर फार्मर और फर्स्ट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको ये फार्मर हमारा कंपेरेटिव होता है, फर्स्ट हमारा सुपरलेटिव होता है, फॉर पॉजिटिव होता है। और लिटिल की बात कर लें हम लोग, तो लिटिल लेस और लीस्ट होता है, ठीक है, लिटिल हमारा पॉजिटिव होता है, लेस हमारा कंपेरेटिव होता है, और लीस्ट हमारा सुपरलेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड्स और अभी आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखो हमको दिया हुआ है लेट लेटर लास्ट या लेटेस्ट, ठीक है, लेट लेटर लेटेस्ट, ठीक है। तो लेट का मतलब होता है देर यानी बाद में, लेटेस्ट मतलब भी बाद में होता है, और लेट लेटर और लास्ट, ठीक है, लेट लेटर और लास्ट, दोनों में अंतर क्या, देखो दोनों का पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या है, सेम है, लेकिन लेटर इसमें है, इसमें एल ए डबल टी आर है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री अलग अलग है। और बात करें हम सुपरलेटिव डिग्री की, अगर बात करते हैं तो देखने में आता हमको क्या, लेटेस्ट और लास्ट मानी सुपरलेटिव डिग्री भी हमारा इनसे अलग अलग है, चेंज है एक दूसरे से, एक दूसरे का एंटी है। तब इसमें देखते हैं इसका जो सेंस निकल के आता है, लास्ट का मतलब है बाद वाला, मानी बाद में, बाद वाला यानी बाद में, और लेटेस्ट का मतलब है बाद में यानी सबसे, अब लेटेस्ट का मतलब होता है लेटेस्ट वर्जन, सबसे बाद में आया हुआ वर्जन कौन सा है, ठीक है। और लास्ट की बात करते हैं सबसे अंतिम की बात है, सबसे लास्ट की बात है, दोनों का सेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट अब कुछ यूज यानी कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं, उसके साथ कुछ नए रूल को देखते हैं हम लोग। देखो हमको दिया कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, और अभी इसके बारे में रूल भी समझेंगे। कंप्यूटर्स हैव मेड आवर लाइफ ईजियर, मतलब कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ को क्या बनाता है, ईजियर बना देता है। आपको लग रहा होगा ईजियर तो यार साइट है, ईजियर रॉन्ग क्यों हो गया हमारा, तो ईजियर हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि देखो हमारा ईजी सराई होगा, क्योंकि आप ये बताइए कंप्यूटर क्या हमारा एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, और हमारा जो कंपेरिजन होता है आपको बता देते हैं, पहले इस चीज़ को भी चर्चा हम आगे फिर करेंगे, यहाँ भी बता देते हैं आपको कि पॉजिटिव डिग्री के लिए हमारा एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए हमारा किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना की गई होगी, और सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक चीजें होंगी उसमें किसी एक की बात की जाएगी, उसमें क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या है, किसी एक चीज की बात हो रही है, मेड मतलब कंप्यूटर एक चीज है जो कि हमारे लाइफ को क्या बनाता है, ईजियर बना देता, सिंपल वे में बना देता है, ठीक है। लेकिन तो हमारा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का ईजियर लगाया गया है, ईजियर नहीं होकर हमारा क्या होगा, ईजी होगा, क्योंकि देखो ईजी ईजियर और ईजिएस्ट, ठीक है, ईजिएस्ट ये हमारा यानी पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होगा, इजी होगा, और कंपेरेटिव डिग्री हमारा क्या होगा, इजियर होगा, और सुपरलेटिव डिग्री हमारा इजीएस्ट होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इजी होगा, हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम लोग एक रूल और देख यानी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम कुछ वर्ड्स को करेंगे, फिर रूल को और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, इसमें हम लोग देखते हैं किसी एक क्लास की बात हो रही है, और इसमें देखो हमको लेस लगाया गया। अब यहाँ पे एक ऐसे मान लो कल कोई क्लास आया, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कल की क्लास में 50 स्टूडेंट थे, ठीक है, और आज दूसरी क्लास जब हुई, मतलब कल हुए 50 स्टूडेंट थे, आज वाली क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट थे, तो मैं बोलता हूँ देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, यानी आज की क्लास में कल की अपेक्षा यानी या अपेक्षा क्लास की अपेक्षा यानी क्लास के स्ट्रेंथ की अपेक्षा आज की क्लास में कम बच्चे हैं। कहने का सेंस ये निकल के आ रहा है कि आज की क्लास में क्लास जितने बच्चों की होगी उसके अकॉर्डिंग आज इस क्लास में कम बच्चे हैं, कहने का सेंस है। तो लेस नहीं हमारा फ्यूअर होगा क्योंकि कंपेरेटिव हो रहा है, कल की क्लास की तुलना आज की क्लास से की जा रही तो हमारा कंपेरेटिव होगा, इन दोनों चीज़ों में कंपेरिजन हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा कंपेरेटिव का यूज होगा, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा फ्यू ना होगा क्योंकि फ्यूअर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, तो फ्यू फ्यूअर और फ्यूएस्ट होता है, ठीक है। इसका हम लोग समझते हैं फ्यू हमारा क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, फ्यूअर हमारा क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री, और फ्यूअर्स हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एच डी में सुपरलेटिव डिग्री। और नेक्स्ट हमारा देखो लिटिल हमारा क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, लेस हमारा कंपेरेटिव डिग्री, और लिस्ट हमारा क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड।
इसलिए हमने बीच बीच में चार छः वर्ड जो इम्पोर्टेंट थे उसको भी बीच में हमने चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को करवा दे रहे ताकि आपको किसी भी सेंटेंस में एग्जाम में आ जाए तब कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए पहले हम एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार अगर आप लोग समझ लोगे तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री होती क्या, जब एक सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट दिया हो और यानी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की बात हो रही हो या कोई एक सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट दिया हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया हो या किसी एक सब्जेक्ट की चर्चा हो रही तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जब दो सब्जेक्ट हो और कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी जब दो सब्जेक्ट, इसको देखो रूल हमने यहाँ पे लिखवा भी दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब किसी दो सब्जेक्ट की आपस में तुलना हो रही, यानी दो सब्जेक्ट हमको दिए हो, ये सब्जेक्ट ए है ये सब्जेक्ट बी है, दोनों में आपस में तुलना हो रही है, ठीक है, दोनों में तुलना हो रही है, इसके इसके बीच में तुलना हो रही है, या किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हो और आपस में दोनों में कंपैरिजन हो रहा तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसको समझ लेते हैं। जब दो से अधिक सब्जेक्ट हो, यानी जब सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो दो से अधिक हो, यानी दो से प्लस, यानी दो से ज़्यादा हो हमारा, और उनमें से किसी एक की बात की जा रही हो, जैसे एक हम समझ लेते हैं हमारा तीन सब्जेक्ट दिए हुए हैं राम श्याम महेश, ठीक है, तीन सब्जेक्ट हमको दिए हुए हैं, ठीक है, राम श्याम महेश। अब इन तीन सब्जेक्ट में हम सिर्फ राम की बात करें उस सेंटेंस में, ठीक है, राम की बात करें तो हमारा क्या वहाँ पे होगा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताएं सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका द यूज किया जाता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले अक्सर द यूज किया जाता है कुछ कुछ सेंस में, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है जब दो से अधिक हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट दो से अधिक हो और उनमें से किसी एक की बात की जा रही हो तो वहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, ठीक है, कुछ वर्ड्स को और देखते हैं जो कि हमको थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं। जैसे देखो हमारा क्या दिया हुआ है मच मोर मोस्ट, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है मच मोर मोस्ट, तो हमारा क्या होता है एक अनकाउंटेबल होता है, जैसे हम लोग बोले मच मिल्क, ठीक है, तो हमारा क्या होगा मच में हम मिल्क को गिन थोड़ी ना सकते, उसकी क्वांटिटी को माप सकते हो लीटर में, लेकिन वैसे हम उसको नहीं सकते गिन नहीं सकते, कहने का सेंस है मिल्क को गिन नहीं सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, तो हमारा क्या होता है एक अनकाउंटेबल होता है। मेनी मोर और मोस्ट, ये क्या होता है हमारा काउंटेबल होता है, हाउ मेनी एक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे बोलते नहीं तो हम लोग गिन सकते हैं, तो मेनी हमारा क्या होता है काउंटेबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो चीज़ें और आती हैं जैसे हम वर्ड्स हैं जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत यूज होते हैं। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, और एक्सपीरियंसेज अगर उसमें ये समझोड़ देते हैं तो क्या होता है हमारा घटनाएं, ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव का जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये दो वर्ड से जरूर बनता है, और हमको जहाँ पे घटनाएं देना होता है वहाँ पे हमको एक्सपीरियंस कर देता है, और जहाँ पे एक्सपीरियंस देना होता है वहाँ पे घटनाएं कर देता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडजेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो हम लोग नेक्स्ट अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमको दिया हुआ है ऑफ द ट्विंस रामू इज द मोस्ट हैंडसम, यानी दो लोगों की बात हो रही है, ट्विंस मिनट होता है जुड़वा, ठीक है, ट्विंस मिनट क्या होता है जुड़वा। अब देखो यहाँ पे मोस्ट दिया हुआ हमको, मोस्ट हमारा क्या है तो सुपरलेटिव के साथ लगता है, और फिर दा भी लगा हुआ है तो कैसे होगा, तो हमारा मोस्ट ना होकर के मोस्ट मोर होगा, ठीक है, द मोस्ट के प्लेस पर हमारा मोर होगा। इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, ऑफ द थ्री वर्ड्स, ऑफ द थ्री वर्ड्स लेटर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो लेटर ना होगा कि लास्ट होगा, ठीक है, थ्री, क्योंकि दो से अधिक वर्ड्स की बात की जाए तो हमारा क्या सुपरलेटिव का यूज होगा, ठीक है, थ्री वर्ड्स की बात तो लास्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, ऑफ द इलेवन प्लेयर्स राहुल इज द फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे इलेवन प्लेयर्स की बात, ये हमारा क्या है एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्या है एक हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्या है कलेक्टिव नाउन है, और इलेवन प्लेयर्स से ज़्यादा मतलब टू से अधिक बात हो रही, और किसकी बात हो रही है उसमें राहुल की बात हो रही, दो से अधिक सब्जेक्ट हैं यानी इलेवन प्लेयर्स हैं लेकिन बात किसकी हो रही सिर्फ ओनली राहुल की हो रही, तो हमारा क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमारा क्या है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो हमारा ये जो द फर्स्ट लगा है एकदम राइट है हमारा, नो एरर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट और हम एक बार देख लेते हैं, आफ्टर टू वर्ड्स
सॉरी सॉरी ऑफ द टू बॉयज, रवि इज द फर्स्ट, यानी दो बॉयज में क्या है, दो बॉयज हैं, दो से अधिक यानी दो ही हैं और उसमें सिर्फ रवि की बात हो रही, तो क्या होगा, फास्ट फास्टर और फास्टेस्ट होता है हमारा, तो हमारा क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। कभी कभी हमारा क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री में भी दा का यूज किया जाता है, ऑफ द टू के साथ कंपेरेटिव डिग्री में भी दा का यूज किया जाता है, ठीक है, ये हमारा एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑफ द टू के साथ कंपेरेटिव डिग्री में भी दा का लगाएंगे या दा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल को, द मोर यू टेक द लेस यू गेन, ठीक है, हमारा सेंटेंस एकदम राइट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें इसका इंपॉर्टेंट एक बार और पढ़ लेते हैं, अगर एक सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री हो, ठीक है, अगर एक सेंटेंस में हमारा दो कंपेरेटिव डिग्री हो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है और मोर दिया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री हो तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी दा लगा है, यहाँ पे भी दा लगा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी दा लगा है, ठीक है, उसके बाद फिर से हम सब समझ लेते हैं, देखो हमारा मोर भी एक कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, लेस भी हमारा एक कंपेरेटिव डिग्री है, लेस के पहले भी हमारा दा लगा हुआ है और मोर के पहले भी हमारा दा लगा हुआ है, यानी कि दो कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का यूज कर सकते हैं, दो कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी दो कंपेरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में आएगी तो उन दोनों वर्ड्स के पहले जो दोनों कंपेरेटिव वर्ड होंगे उनके पहले हम लोग दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन जो होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, द हायर यू गो द कोलर इट बिकम्स, देखो हमारा क्या देख, कोलर दिया हुआ है उसके पहले भी हमारा दा लगा हुआ है, हायर दिया हुआ उसके पहले भी दा लगा हुआ है, यानी दो कंपेरेटिव, पहला कंपेरेटिव हमारा हायर है, दूसरा कंपेरेटिव हमारा कोलर है, उसके दोनों के पहले हमारा दा लगा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा एकदम राइट है, ठीक है, सेंटेंस हमारा एकदम राइट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, रवि इज द मोस्ट फास्टर बॉय इन द क्लास, अब देखो इसमें पूरे क्लास में किसकी बात, पूरे क्लास में से सिर्फ एक लड़के रवि की बात हो रही है, ठीक है, इसमें हम लोग हमारा मोस्ट ना करके क्या होगा, फास्टर, क्योंकि हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, इसके पहले हम मोर नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रवि इज द फास्टर बॉय इन द क्लास, हमारा तब सही होगा, ये हमारा मोस्ट नहीं होगा इसमें। अब उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को बताया जा रहा है, आपको पक्का है कि समझ में आ रहा होगा, कश्मीर एज द मोस्ट अनक्यू सीनरी इन द इंडिया, अच्छा इसमें देखो हमारा अनक्यू लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं पूरे इस एडजेक्टिव के चैप्टर में, पूरे इस एडजेक्टिव चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं जो अपने आप में कंपेरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव सब कुछ होते हैं, उनके साथ किसी भी डिग्री का यूज नहीं कर सकता, उन्हीं दा का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, उनके साथ किसी का, वो जैसे हमारा कुछ वर्ड होते हैं, अनक्यू हो गया, सीनरी हो गया और भी वर्ड्स हैं, उनको उनका एक हमने लिस्ट ले रखा है, उसको आप कभी आपके साथ पूरा चर्चा कर लेते हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके पहले हम मोस्ट कुछ भी नहीं लगाते, मतलब कोई डिग्री उनके पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आइए उन वर्ड को देख लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए इसमें हम लोग, हाँ जैसे देखो हमको दिया भी हुआ है यहाँ पे रूल में, क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं होती, यानी कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो अपने आप में एक एग्जेक्टिव होते हैं, जो अपने आप में ही एक एग्जेक्टिव होते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री भी होते हैं, वो कंपेरेटिव डिग्री भी होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी होते हैं, मतलब उनके साथ कोई भी डिग्री का यूज नहीं किया जाता, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ कोई भी डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में एक डिग्री होते हैं, ठीक है, जैसे हमको दिया हुआ है अनक्यू, ठीक है, जैसे हमारा वर्ड है अनक्यू, ये अपने आप में एक डिग्री है, इसके साथ किसी भी डिग्री का यूज करने की जरूरत हमको नहीं है, और दूसरा हमारा वर्ड है एक्सीलेंट, ठीक है, हमारा क्या वर्ड है एक्सीलेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप रट लीजिएगा, आपके किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये आपको आपको पता है तो किसी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग फट से एक मिनट में क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट, ये भी हमारा क्या होता है, इसके साथ भी किसी डिग्री का यूज नहीं किया जाता, अनमैच्ड इसके साथ भी किसी डिग्री का यूज नहीं किया, अनपैरेलल्ड इसके साथ भी किसी डिग्री का यूज नहीं किया जाता, और नेक्स्ट हमारा आता है मेजर इसके साथ भी किसी डिग्री का यूज नहीं किया जाता, एक्सट्रीम इसके साथ भी नहीं लगता, इन्वर्सल होल कंप्लीट फुल राउंड सर्कुलर स्पेक्ट्रल रेक्टेंगुलर पैरेलल्ड गोल्डन लाइकली मिल्की ठीक है स्टेशनरी इंपेरेटिव आइडियल मैसिव इनके साथ क्या होता है हमारा ये खुद अपने आप में एक कंपेरेटिव डिग्री होते हैं ये अपने आप में खुद एक कंपेरेटिव डिग्री ठीक है सुपरलेटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री ठीक है और पॉजिटिव डिग्री तीनों अपने आप में होते हैं इनके साथ किसी भी डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता यानी इनके साथ किसी भी डिग्री का यूज क्या होगा रॉन्ग होगा ठीक है इनके साथ किसी भी डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता है ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना कुछ और एग्जांपल को देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर हो रही है लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से क्योंकि लंबा टॉपिक है लंबा चैप्टर इसको थोड़ा सा लंबा लेना ही पड़ेगा और इसको आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा दो तीन बार वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रवि इज द टालेस्ट टालर देन
माई ब्रदर, देखो इसमें हमारा क्या है, रवि इज अ टैलेंट देन माई ब्रदर, यानी मैं बात कर रहा हूँ रवि से और किसकी, थर्ड पर्सन है मेरे अपने भाई के बारे में, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, रवि इज द टैलेंट देन माई ब्रदर, मतलब रवि हमारे भाई से, हमारे ब्रदर से लंबा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख देते हैं, रवि इज द टैलेंट देन ग्रेप। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं इस सेंटेंस को, कि रवि इज द टैलर देन ब्रेव, यानी रवि क्या है, टैलर भी है और ब्रेव भी है। जब भी एक नाउन, यानी जब भी एक ही नाउन, मतलब जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ को कंपेरिजन हो, ठीक है, जब भी एक ही सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जब भी किसी एक ही सेंटेंस में, उसको हम लिख लेते हैं, जब भी किसी एक ही सेंटेंस में, ठीक है, जब भी किसी एक ही सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट की, यानी किसी भी व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ का आपस में कंपैरिजन हो रहा हो, या आप दो ही क्वालिटी के कंपैरिजन आपस में हो रहा, तो उसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का हम लोग यूज करते हैं। इसको एक बार हम सब फिर से समझ लेते हैं, जब एक ही नाउन सब्जेक्ट की दो क्वालिटी की कंपैरिजन हो, ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में, यानी किसी भी सेंटेंस में, वर्ड में नहीं, किसी भी सेंटेंस में एक ही नाउन की या एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटी की आपस में कंपैरिजन हो, यानी एक दोनों का कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तब अभी आपको बेहतर ढंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर रवि हमारा क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही नाउन है, ठीक है, उसमें देखो हमारा क्या, रवि इज मोर टाल देन ब्रेव, ठीक है, तो रवि क्या है, वो लंबा भी है और ब्रेव भी है, यानी दो क्वालिटी की चर्चा एक ही व्यक्ति की आपस में हो रही है, तो क्या होगा हमारा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, जैसे देखो हमारा क्या आया है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पहले के साथ। अब नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, दिस रूम इज क्लीन देन बिग, यानी यह रूम जो है क्लीन भी है और बिग भी है, तो दो एक ही रूम की दो क्वालिटी की बात हो रही, हमारा क्या हो जाएगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द रूम इज मोर क्लीन देन बिग, यानी कि क्या हमारा मोर प्लस क्लीन प्लस देन के साथ हमारा बिग, यानी दो क्वालिटीज आई हैं, यानी दो कंपैरिजन है, और हमारा मोर के साथ क्या लगा हुआ, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद कोई जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू शुड बाई द रेड शर्ट एज इट इज एज चैप्टर देन ड्यूरेबल, तो क्वालिटी वन और क्वालिटी टू आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये एग्जांपल है, दूसरे टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, यू शुड बाई द रेड शर्ट एज इट इज मोर चीप देन ड्यूरेबल। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये भी एक एग्जांपल हमारा हो गया, स्मोकिंग इज एज इंजूरियस इफ नॉट मोर इंजूरियस देन ड्रिंकिंग, मतलब हमारा जो स्मोकिंग होता है वो इंजूरियस हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक नुकसानदायक है, किसकी अपेक्षा, ड्रिंकिंग यानी शराब की अपेक्षा, यानी मदिरा की अपेक्षा हमारे लिए ड्रिंकिंग कम हानिकारक है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये भी हमारे दो क्वालिटीज़ की बात हो रही, दो क्वालिटीज़ से मोर हमारा आया है, इंजूनियस है, दो क्वालिटीज़ की बात हो रही, तो आपको बता दें क्या होता है इसका रूल, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ किया जाता है, यानी जब भी सेंटेंस में इस तरह का सेंस दिया होगा, स्मोकिंग इज एज इंजूरियस, मतलब हमारा एज आया, फिर इंजूरियस के बाद फिर हमारा एज आया, फिर हमारा मोर आया, ठीक है, तो क्या होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री यानी इंजूरियस प्लस एज, ठीक है, ये हमारा रूल होता है। इसके रूल को अभी हम एक बार और अच्छे समझ लेंगे, आपको बेहतरीन ढंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एज डिफिकल्ट अ टास्क एज टू कैच अ वर्ड, यानी एज डिफिकल्ट एज, यानी एज प्लस पॉजिटिव डिग्री अल्प है, थोड़ी दूर भी हो सकते हैं, मतलब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज थोड़ा दूर, जैसे हमारा एज यहाँ पे आया डिफिकल्ट टास्क, फिर एज, यानी दो हमारे एज आए हैं, बीच में हमारा पॉजिटिव डिग्री आया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, द इंजीनियर एज बेटर एज अ सुपर हीरो, ठीक है, इंजीनियर इज एज बेटर एज है सुपर। अब देखो हमारा बेटर क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, आपको पता होगा हमारा बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, हमारा ये कॉम्बिनेशन होता है, तो हम कंपैरेटिव तो लगा ही नहीं सकते, जो हमारा बेटर दिया हुआ है यानी कि हमारा रॉन्ग हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुड, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंजीनियर इज एज गुड एज अ सुपर हीरो। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या होगा, अमंग द स्टूडेंट्स फार्मर टुक द इंटेंटिव, इसमें हम लोग देख देते हैं फार्मर का यूज़ किया गया। अब देखो द हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, द हमारा सुपरलेटिव इंटेंटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, फार्मर ना होकर के द फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ किया जाता है, तो हमने आपको इसी वीडियो में पहले बता दिया, ठीक है, द के साथ हमारा क्या होता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, मिस्टर कुमार इज द स्मार्टेस्ट एंड द फर्स्ट रीजन इन द सिटी, फर्स्ट पर्सन इन द सिटी, सॉरी पर्सन है, ठीक है, मिस्टर कुमार इज द स्मार्टेस्ट एंड द फर्स्ट फिटेस्ट
पर्सन इन द सिटी, मतलब फिटेस्ट मतलब सबसे स्वस्थ। ठीक है, हमारा फिटेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री पहले हमारा दा का यूज़ किया जाता है, तो हमारा कुछ सेंटेंस राइट है। ये हमारे स्मार्टर जो है पहले हमारा दा नहीं आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दा रिमूव कर देंगे, स्मार्टर भी हमारा सुपरलेटिव है। ठीक है, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट रूल को हम लोग अपना देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या आता है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में जब दो सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है, जब एक सेंटेंस में हमारे दो सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो, ठीक है, जब एक सेंटेंस में हमारे दो सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे हमारा कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सुपरलेटिव डिग्री वन प्लस सुपरलेटिव डिग्री टू लगी हुई हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो आर्टिकल एक ही में लगेगा, तो बाद वाले में लगाएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एक ही में आर्टिकल लग सकता है, किसमें, हम बाद वाले में लगाते हैं। जैसे हमारा क्या पहले सेंटेंस में दिया हुआ सेंटेंस समझ लेते हैं फिर से। मिस्टर कुमार इज द स्मार्टेस्ट एंड द फर्स्ट पर्सन इन द सिटी, तो हमारा क्या स्मार्टेस्ट भी हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, हमारा फर्स्ट भी क्या है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ऐसा सेंटेंस हमको हमारे पास आता है, ऐसा सेंटेंस हम देखते हैं कि हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें दो सुपरलेटिव डिग्री दी है, सुपरलेटिव डिग्री वन और सुपरलेटिव डिग्री टू, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री टू होगा उसमें हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग होता है। आपको उम्मीद करता है चीज़ समझ में आ गई होगी। जब भी किसी सेंटेंस में हमारे दो सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में हमारे दो सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, तो हम लोग पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करेंगे, जो सेकेंड वाला सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके बहुत एग्जाम पूछा जाता है किसी से, मान लो कि हमारा सेंटेंस है, ठीक है, हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले देखो, हमारा स्मार्टेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और हमारा फिटेस्ट भी हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले भी हमारा दा लगा हुआ है, इसके पहले भी दा लगा। और आपको बता दें क्या होता है, जब हमारा किसी भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो, तो जो हमारा सेकंड वाली सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं, पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री पहले दा का यूज़ नहीं करते, हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए हमने तीन चार बार आपको अच्छे से बता दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से पढ़ो कि फिर आपको चीज़ें आ जाए, एक ही बार पढ़ो चीज़ों को, टाइम लगता है तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह से पढ़ो कि चीज़ें एक बार आपको अच्छे से आ जाए, फिर आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तो, ठीक, जब एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तो आर्टिकल एक ही लगेगा, वो बाद वाले में। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया वही चीज़ है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो हमको, ठीक है, तो जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में दा लगता है वो आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल लगता है वो बाद वाले में आर्टिकल लगता है, पहले वाले में आर्टिकल नहीं लगता। यानी हम बाद वाले में आर्टिकल को लगाएंगे, पहले वाले में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द माई क्लास। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा क्या हुआ है कि इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास, इसमें एक ही की बात की गई है। ठीक है, तो द मोस्ट आया, इसमें आप मोस्ट पटाइएगा नहीं, हमारा सेंटेंस एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नो एरर है, राइट है, तो कोई एरर इसमें नहीं। ठीक है, हमको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आपको पता है मोस्ट भी हमारा यूजफुल, तो हमको ज़रूरत नहीं है कोई लगाने की। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो हमारा इंटेलिजेंट पहले क्या है, मोस्ट आया, तो भी हमारा एक किसी न किसी प्रकार से हमारा सुपरलेटिव डिग्री को दिखा दे रहा है, तो दा नहीं लगता, मोस्ट पहले हम लोग दा का नहीं यूज़ नहीं करते। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या रूल दिया हुआ है, रूल को समझ लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ दा नहीं होगा, यानी यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा, जो हमने आपको पहले बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा तभी होगा जब बहुत सारे में से किसी एक की बात की जाए, यानी बहुत सारे में से जब किसी एक की बात की जाए तभी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज़ करेंगे, अन्यथा हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। यानी जब सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारी हमको दी हुई हो और बहुत सारी में से किसी एक की बात की जाए तभी हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज़ करेंगे, और अन्यथा हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी बहुत सारी सुपरलेटिव डिग्री, जब बहुत सारा चीज़ हमको दिया हो उसमें से किसी एक की बात की जाए तभी हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज़ करेंगे। अगर सिंगल डिग्री हमको दी हुई है अगर, तो वहाँ पे कोई दा का यूज नहीं कर, लगा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी लगा तो भी कोई हमको दिक्कत नहीं। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यू ट्रेवल्ड सो मेनी प्लेसेस, विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब ये जो बहुत सारे प्लेस आपको दिए हुए हैं इसमें से आपको कौन से एक प्लेस पसंद है, इसमें आप एक मत समझिए कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लेस होते हैं, उसमें से आपको आपका मोस्ट प्लेस, यानी मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट प्लेस आपको उसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। हमने आपको भी रूल बताया आप सामने, ठीक है, इसमें हमारा दा का दा रिमूव हो जाएगा, दा हमारा यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रूल देख लेते हैं।
नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यदि मोस्ट वर्ब के साथ यूज हो तो उसमें कभी दा नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी मोस्ट हमारा वर्ब के साथ यूज हो, ठीक है, तो हमारा दा नहीं लगेगा। इसको लाइक हमारा क्या है, पसंद करना यानी वर्ब है। ठीक है, पर हमारा मोस्ट है तो उसके साथ हमारा लाइक हमारा वर्ब नहीं, यानी सॉरी लाइक के साथ हमारा आर्टिकल दा यूज नहीं होगा, यानी दा का यूज नहीं किया जाएगा। यदि मोस्ट वर्ब के साथ यूज हो तो उसमें कभी दा नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी मोस्ट वर्ब के साथ यूज हो तो उसमें कभी दा का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, द मोस्ट ऑफ वुमेन आर एजुकेटेड टूडे, यानी मोस्ट, आप देखो मोस्ट हमारा आया, उसके साथ हमारा दा यूज नहीं होगा। अधिकांश यानी मोस्ट मीन्स अधिकांश, ये हमारा वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, यानी एक अब वुमेन को मत देखिएगा आपकी सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि मोस्ट के साथ हमारा दा का यूज नहीं होता, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल, द मोस्ट का यूज अधिकांश मैक्सिमम के सेंस में यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, मोस्ट का हमारा जो यूज होगा अधिकांश मैक्सिमम अधिक से अधिक के सेंस में यूज होगा। मोस्ट के बाद ऑफ लगेगा। ठीक है, मोस्ट के बाद हमारा ऑफ लगता है, मोस्ट के पहले दा का यूज नहीं होता है, मानी मोस्ट के पहले हमारा दा का यूज नहीं किया जाता, मोस्ट पहले हमारा दा का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, मोस्ट के पहले हमारा दा का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, द मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एजुकेटेड टूडे, इसमें हम लोग देखते हैं कि मोस्ट हमारा आया हुआ है, उसके पहले हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोस्ट के साथ हमारा दा का यूज नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग अपना देखते हैं, सी इज मोर स्मार्टर देन रवि, इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं स्मार्टर के पहले हमारा क्या आया हुआ है, मोर, तो स्मार्टर हमारा क्या है, खुद सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले हम लोग मोर का यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और क्योंकि आपको रूल को प्रिपेयर भी करना है, आपको रूल को प्रिपेयर भी करना है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने चैनल को और चैनल को पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चैनल आप ही का है, आप ही के लिए बनाया गया है, आप इसको जितना सपोर्ट करेंगे आप ही के भविष्य के, आप ही के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।